न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते साल अपना कहर बरपा चुका कोरोना वायरस मार्च आते आते फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिला की, जहां बीते जनवरी व फरवरी माह में फिर से मिले 6 कोरोना केसों के बाद मार्च आते आते यह आंकड़ा 44 के पार पहुंच गया है। बीते दिन भी रेवाड़ी जिला में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसे लेकर न केवल जिला प्रशासन गंभीर है बल्कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने के साथ मास्क लगाने की लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि पर प्रशासनिक अपील का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि अधिकांश लोग आज भी सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं, जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इतना ही नहीं, बिना मास्क चलने वाले लोगों से पुलिस जब मास्क लगाने की अपील करती है तो ऐसे अनेक लोग हैं जो पुलिस के साथ ही झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बिना मास्क गाड़ी चला रहे एक युवक को जब पुलिस ने रुकवाया तो गाड़ी से उतरने के बाद इस शख्स ने पुलिस के साथ ही बदसलूकी शुरू कर दी और चालान से बचने के लिए पुलिस के साथ झगड़ा कर लिया। हालांकि यह कोई अकेला मामला नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की माने तो ऐसा उनके साथ अक्सर होता है। फिर भी उनका प्रयास है कि जो व्यक्ति बिना मास्क चल रहे हैं वे उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं और नहीं मानने पर चालान काटकर उन्हें मास्क भी दे रहे हैं। ऐसा इधर बढ़ते कोरोना के चलते जिला प्रशासन भी संक्रमण वाले क्षेत्रों में फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिला में बीते एक साल के दौरान अब तक कुल 11,428 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 76 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। लेकिन शून्य पर पहुंच चुके रेवाड़ी जिला में अब फिर से 44 केसों का सामने आना अपने आप में चिंता का विषय है। इसे लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। रेवाड़ी जिला के साथ पड़ोसी जिलों और पड़ोसी राज्यों में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि वे अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोरोना से सुरक्षित नहीं है। वहीं लोगों को SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। विकास, अभी आप जो गाड़ी में बिना मास्क लगा के चल रहे हैं, पुलिस आपको अवेयर कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, पुलिस जो अवेयर कर रही है वो सही कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है। हम भी अवेयर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मैं घर से फैमिली के साथ रहता हूँ, फैमिली के साथ गाड़ी में बैठा हूँ। अभी सिर्फ पुलिस ने मेरे को नीचे उतारा है, इसलिए मैंने मास्क पहना है, क्योंकि मेरे को भी अवेयरनेस है 2 गज दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, मेरे को भी पता है। अब आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रह रहे हैं तब आप मास्क पहन के रहते हैं? गाड़ी में मास्क लगाना जरूरी नहीं। सर, मैं अपनी गाड़ी में अपने फैमिली में मास्क लगा दूंगा, मैं नीचे उतरा हूँ तो मैंने मास्क लगाया है ना, गाड़ी में जरूरी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं ये कहूँगा जो एक साल से पहले लोग साक्षी देख चुके हैं, कितना नुकसान हो चुका है, कितनी जनता मर चुकी है, पूरे भारत के अंदर ये पता है। यहाँ रेवाड़ी के अंदर भी DC साहब, CMO साहब, पूरी तरह प्रशासन इसके लिए रोज लोगों को मतलब कर रहे हैं, जबकि रेवाड़ी सुनने पे आ गया था। इतना ऊपर पहुंच के रेवाड़ी में जो वो भी टाइट पोजीशन हुई है, लोगों ने समझा है, सुनने पे आने के बाद दोबारा स्टार्ट हुआ। तो मेरी तो मतलब यही निवेदन होगी आम जनता से कि हाथ धोएं, सैनिटाइजर करें और कम से कम मतलब अपनी ये लगे कि मास्क लगा के ही घर से बाहर जाए। मेरा तो ये कहना है कि सभी लोगों को मास्क लगा के घर से बाहर निकलना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए ताकि तो दूसरी लहर से बचा जा सके और अपने परिवार वालों की इससे सुरक्षा हो जाएगी, घर में कोरोना नहीं फैलेगा। देखिए, मैं तो यही लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक साल हम देख चुके हैं कि कितनी भारी भरकम नुकसान हुआ है सरकार का, आम आदमी का, हर आदमी घर में बैठ गया था। अब सभी से मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग अपना खुद का ध्यान रखें, मास्क को जरूर पहने, अपने घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। बाकी कहेगी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बहुत जरूरी है सभी के लिए, आपकी सेहत के लिए और हमारी सेहत के लिए। अभी जिस तरीके से कोरोना दोबारा से फैलने लगा है, बात करें रेवाड़ी की जी, तो बिना मास्क के बहुत सारे लोग अभी भी बाजारों में घूम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे लोगों से कि कोरोना की सेकंड लहर आ रही है, हमारे यहाँ भी 16 केस पॉजिटिव है रेवाड़ी में, और हम गुड़गांव और दिल्ली के बहुत नजदीक है जहाँ की काफी केसेज निकल रहे हैं, पंजाब और महाराष्ट्र में बहुत केसेज है। तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर फॉलो करें, जैसे कि SMS, S से सोप या सैनिटाइजर से हाथ धोएं,
मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लोगों से मेरी अपील है कि भीड़ भाड़ भरे स्थान पे ना जाएं। इसके लिए यही है, पुलिस है और हमारे डिपार्टमेंट है, वो तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, रोजाना मास्क के लिए चालान भी कर रहे हैं, बट जनता को समझना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं समझेगी, हमारा देश बहुत बड़ा है, 138 करोड़ की जनसंख्या है, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, कोई भी इसमें सेफ नहीं है। मान लो मैं वैक्सीन लगा ली तो भी उसके बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसमें यही है, लोगों से मेरी यही अपील है कि अभी हम सेफ नहीं है, अपने घर परिवार को समाज को बचाने के लिए मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, अगर जाना पड़ता तो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए हम यही कहेंगे कि सभी को मास्क लगाना चाहिए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार हम सभी का बगबगर जो मास्क नहीं लगा उनका चालान भी किया जा रहा है, उन्हें अवेयरनेस भी कर रहे हैं, उनको मास्क बांट भी रहे हैं। हम उनको ये आदेश अवेयरनेस कर रहे हैं, आप सभी अपने मास्क लगा के चले और मेरी भी जिम्मेदारी ट्रैफिक एडिशनल शो होते हुए भाई सभी को मास्क लगाने की प्रेरणा से ले, भाई सभी आदमी अपना मास्क लगा के चले।